हेलो दोस्तों, मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिगर काउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, तो फिगर काउंटिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के लिए। पहला टॉपिक रहेगा त्रिभुज। सबसे पहला सिंपल, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो सबसे पहले कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज, कैसे काउंट करते हैं, नंबरिंग करके, आधार को नंबर करके, ठीक है, आधार को नंबर करके काउंट करना है। इसको एक नंबर दोगे, इसको दो नंबर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे। आधार को नंबरिंग करने के बाद जोड़ना है, कितने त्रिभुज, तीन त्रिभुज, आधार को नंबर करने के बाद जोड़ना है, ठीक है। अगला, एक दो और तीन, एक धन दो धन तीन, तीन तो पांच और एक छह, कितने त्रिभुज, छह त्रिभुज। उर्ली गिनोगे ऐसे तो भी क्या आएगा, छह ही आएगा, ठीक है, बिना ट्रिक से। कितना त्रिभुज, एक दो तीन और चार, आधार चार तीन सात दो नौ दस, जोड़ दो, एक धन दो धन तीन धन चार, कितने त्रिभुज, दस त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया सिंपल पैटर्न में। अब देखो इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज, ठीक है। तो जितने त्रिभुज हैं, ठीक है, जितना त्रिभुज है आधार ये वाला खड़ी लाइन, उसको इस आधार लाइन की संख्या से गुना करते हैं सिंपल के लिए। कितने आधार हैं, एक और दो, दो एकम टू वन जा टू। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब कितने त्रिभुज, पहले नंबर ही करो, एक, ये कितना था नंबर, एक ही नंबर था, इसमें भी नंबर ही करो, एक ये दो, ठीक है, कितना हो गया, दो रे तीन, कितने आधार, एक आधार और दो आधार, इसको गुना कर लो, तीन दूनी कितने त्रिभुज, छह त्रिभुज, कितने त्रिभुज, ये इससे हमेशा गुना होगा, जितने आधार है उसका हमेशा गुना होगा। अगला, चलो ठीक है, अब बता रहे हैं आपको, एक दो तीन, तीन दो पांच और एक छह, ठीक है, पहले आधार को जोड़ लिए, ठीक है, अब इसको देखो कितने आधार, तीन आधार, सॉरी कितने आधार, तीन आधार, तो जितने आधार उससे गुना करना, छह दिया अठारह, कितने त्रिभुज होंगे इसमें, अठारह त्रिभुज, कितने त्रिभुज होंगे, अठारह त्रिभुज। अगला, ये बहुत बार देखे होंगे व्यापम में, व्यापम पेशी में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है ये वाला त्रिभुज है ना, तो देखो कितने त्रिभुज गिनना है, एक दो तीन और एक चार, जोड़ लो दस, कितने आधार, एक दो तीन चार, कितने आधार, कितने त्रिभुज, चालीस, कितने त्रिभुज, चालीस। ये त्रिभुज का एक पैटर्न हो गया। अभी से दूसरे पैटर्न में चलते हैं हम लोग, आपका दूसरा पैटर्न। अब वर्ग के अंदर त्रिभुज, स्क्वायर के अंदर त्रिभुज कैसे, कितने त्रिभुज, दो, एक और दो, कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज, आठ, कैसे गिनते हैं, नंबर ही करते हैं, एक दो तीन चार। जब भी वर्ग के अंदर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग के अंदर जब भी त्रिभुज काउंट करने बोले, ठीक है, तो नंबर ही करना त्रिभुजों को और उसको हमेशा दो से गुना करना है, क्योंकि वर्ग है, चार दुनी आठ त्रिभुज, कितने त्रिभुज, आठ। अगला, एक दो तीन चार पांच और ये कितने त्रिभुज, छह दुनी बारह त्रिभुज, कितने त्रिभुज, बारह। अगला, एक दो तीन चार पांच छह सात और कितने त्रिभुज, दो से गुना करना है हमेशा वर्ग के अंदर, जब त्रिभुज रहेगा सोलह त्रिभुज, कितने त्रिभुज, सोलह त्रिभुज, ठीक है। अब आगे वैरायटी में देखो इसके, इसका एक और वैरायटी,
कितने त्रिभुज? ये हमेशा कैसे बनाएगा? ये चार वाला हमेशा एक दो तीन चार, चार वाला हमेशा क्या बनाएगा? आठ। ये भी कितना बनाएगा? आठ। ठीक है, जब दो वर्ग के अंदर त्रिभुज, जब जब दो वर्ग एक दूसरे से ज्वाइंट हो तो ज्वाइंट भी क्या होता है? काउंट होता है, ज्वाइंट को भी काउंट किया जाता है। ये पूरे आठ, ये पूरे आठ, ये ऐसा दिख रहा है, इसमें कितने हैं? आठ। तो ये आठ आठ, अगली बार डायरेक्ट काउंट करना है, आठ और आठ कितने ज्वाइंट? दो ज्वाइंट। आठ धन दो ज्वाइंट कितने? अठारह त्रिभुज। कितने त्रिभुज होंगे उसमें? जितने ज्वाइंट उतने बार उसका काउंटिंग करना है। आगे ज्वाइंट को काउंट करना जरूरी है भाई, ठीक है। कितने त्रिभुज? आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ किया चौबीस, आठ धन आठ धन आठ कितने हो गए? चौबीस। कितने ज्वाइंट? एक दो तीन चार, चार ज्वाइंट, कितना हो गया? अट्ठाईस त्रिभुज। कितने त्रिभुज? अट्ठाईस ट्राइंगल, ठीक है। अगला पैटर्न बदल रहा हूं, उसमें पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दिख रहा है पीछे तक? कितने त्रिभुज? आठ एकम आठ, आठ दो सोलह, आठ चौबीस, ये आठ, ये आठ और ये आठ, ये स्क्वायर के अंदर चार त्रिभुज है, मतलब आठ आठ काउंट होगा, ठीक है। ये चौबीस तो हो गए, अब ज्वाइंट काउंट करो, कितने ज्वाइंट? एक दो तीन, ये दो बार काउंट होगा, चार। कितने हो गए? चार। अट्ठाईस हो गए, ठीक है। कितने हो गए? एक दो तीन चार, क्योंकि दोनों के बीच ज्वाइंट है, ये दोनों के बीच है, ये दोनों के बीच है, तो जितने बार ज्वाइंट होगा दो दो वर्ग, तो वो दोनों को काउंट करना ही है, भले वो डबल क्यों काउंट ना हो, ठीक है। इसके अलावा जब 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 भी कहीं पर भी दो बार काउंट हो ज्वाइंट, जो भी ज्वाइंट दो बार काउंट हो, तो उसे ये देखा जाता है कि जितने भी वर्ग दिए हैं उन सभी वर्ग से क्या एक बड़ा त्रिभुज बनता है, क्या एक बड़ा त्रिभुज बनता है क्या, यह देखा जाता है। इस ज्वाइंट से होकर जाने वाले एक बड़ा त्रिभुज जिसका कोई ना कोई भाग तीनों अलग अलग वर्ग में हो, तो देखो एक बड़ा त्रिभुज बनेगा जो इस ज्वाइंट से होकर काउंट जाएगा। देखना ध्यान से देखना, ये देखो ये वाला हिस्सा इसमें है, ये वाला हिस्सा इस वाले वर्ग में है, ये वाला हिस्सा इस वाले वर्ग में है। इस ज्वाइंट से होकर ये बड़ा त्रिभुज जा रहा है तो उसको भी एक जोड़ा जाता है। कितना? आठ एक आठ, आठ सोलह, आठ चौबीस और चार अट्ठाईस और एक उन्तीस त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 29, ठीक है। ये त्रिभुज काउंट करने का तरीका है। अगला अगला पैटर्न, अगला भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला पैटर्न में देखिए, बताइए कितने त्रिभुज, कितने ट्रायंगल, ठीक है, कितने ट्रायंगल? देखो आठ चार है, आठ एकम आठ, आठ दो सोलह, आठ छह चौबीस, आठ चौक बत्तीस, ये बत्तीस तो हो गए। हर वर्ग के अंदर चार भाग है, मतलब बत्तीस तो हो गए। अब ज्वाइंट काउंट करो, ज्वाइंट काउंट करो, एक दो ये दोनों वर्ग के बीच, तीन चार ये दोनों वर्ग के बीच, पांच छह ये दोनों वर्ग के बीच, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच और ये दोनों के बीच, कितने हो गए? छह। अब देखो जो डबल काउंट हुआ है क्या उससे चारों वर्ग से होकर कुछ ना कुछ त्रिभुज बनता है? चारों ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका हिस्सा चारों में होना चाहिए, साथ ही ये दोनों ज्वाइंट भी काउंट होने चाहिए, दोनों ज्वाइंट में भी आना चाहिए उसका हिस्सा, चारों वर्ग में भी आना चाहिए उसका हिस्सा, ऐसे त्रिभुज बनाने हैं। तो ऐसे कितने त्रिभुज? तीन त्रिभुज, ये वाला भूल गए, एक, ठीक है, दूसरा कैसे बनेगा भाई? दो, तीसरा इस वाले से। देखो यहां पर कहीं ना कहीं पर जा रहा है, ठीक है, दोनों जॉइंट से जा रहा है और हिस्सा क्या है चारों वर्ग में, कितने? तीन। कितना हो गया? आठ दूनी सोलह, तेरह चौदह चौदह बत्तीस, बत्तीस छह अड़तीस और तीन इकचालीस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 41। कितने त्रिभुज? इकचालीस त्रिभुज। कितने त्रिभुज? इकचालीस। चलो अगला पैटर्न इसमें बनाया, तो ऑलरेडी काउंट हो जाता है, इसमें ऐसा काउंट हो रही है। बड़ा बड़ा
बड़ा जो बाहर है वो काउंट होगा चार बार। तो पहले क्या होगा, आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ के चौबीस, आठ चौ बत्तीस, ये बत्तीस तो हो ही गया ठीक है। बत्तीस के अलावा क्या हो गया, ज्वाइंट दो के बीच एक दो, ये दोनों के बीच तीन चार, ये दोनों के बीच पांच छह, ये दोनों के बीच सात आठ, कितने ज्वाइंट आठ ज्वाइंट। इसके अलावा बड़े त्रिभुज ये है एक ठीक है, दो तीन चार, कितने हो गए चार, कितने हो गए भी टोटल चवालीस, चवालीस आंसर है, आंसर 44 ही आएगा, बस काउंट करने का तरीका आप एक बार देख लेना ठीक है। तो कितने हो गए चवालीस, इसको नोट करो, अभी और कौन सा बचा है वैरायटी। आगे त्रिभुज का है ना, कंटिन्यू करेंगे त्रिभुज का अगला पैटर्न, जब एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज, एक सीधा और एक उल्टा ठीक है, एक के अंदर एक और, तो इसको कैसे काउंट करते हैं, इसमें भी वैसे ही नंबर ही करना है, एक दो तीन चार दिख रहा है, तीन सीधे एक उल्टे, एक उल्टा त्रिभुज दिख रहा है इसमें, तो एक धन दो धन तीन धन सॉरी एक दो तीन चार, कितने त्रिभुज चार त्रिभुज दिख रहे हैं, और एक बड़ा त्रिभुज कितना, ये सिंपल है। अब इसमें जब पैटर्न आएगा तब कैसे होगा, थोड़ा लेंदी कर देते हैं इसको, थोड़ा टिपिकल कर देते हैं। अब कितने त्रिभुज, तो हर बार ये कैसे गिनाएगा, एक दो ये पूरा तीन और ये चार, हर जो ये ऐसे ये त्रिभुज है वो हमें से क्या गिनाता है चार गिनाता है, इसके अंदर उल्टा त्रिभुज उसके अंदर भी कैसा है, जब त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज हो तो चार गिनाएगा, एक त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज तो कितना गिनाया चार ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज तो कितना गिनाया चार, अगला वाला भी ठीक है, एक ये वाला और एक अंदर वाला, अंदर के अंदर एक और अंदर है, कितने हैं एक दो तीन त्रिभुज है, तो पहले दो का और बाद के दो का कितने हो गए चार हो चार, और हर बार एक बड़ा त्रिभुज गिना जाता है, कितना एक बड़ा वाला, एक बाहर वाला सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है वो कितने नौ, कितने त्रिभुज। अब आ जाओ इसके पैटर्न में आ जाओ, कितने त्रिभुज ठीक है, कितने पहले गिन लिया करो, एक दो तीन चार, चार त्रिभुज बने हैं ठीक है, तो पहले दो का चार, इसका और इसके अंदर वाले का कितने होंगे चार, इसका और इसके अंदर वाले का फिर चार, इसका और इसके अंदर वाले का फिर चार, और लास्ट में अंतिम बड़ा त्रिभुज को एक जोड़ते हैं, कितना चार चार आठ चार बारह तेरह, तेरह कितने त्रिभुज तेरह ठीक रहा, ये थर्टीन ठीक है ठीक। अब आगे इसमें पैटर्न बदलते हैं थोड़ा सा, देखो पैटर्न बदल रहे हैं, कितने त्रिभुज ठीक है, तो एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज मतलब चार को गिनाएगा गिनाएगा ठीक है, एक बड़ा जो त्रिभुज है वो बाहर वाला आउटर मोस्ट वो तो क्या गिनाएगा एक गिनाएगा गिनाएगा, मतलब पांच गिनाना गिनाना। रही बात इस डंडे की जो डाला गया बात, ये देखो एक दो और तीन ठीक है, तो ये कितना बना रहा है, हर डंडा दो गिनाता है, एक और दो, एक और दो और एक और, हर ये डाला गया डंडा दो गिनाता है, तो दो दो चार दो छह, कितने छह, छह चार दस बारह ग्यारह। अगला कितने त्रिभुज, चार चार आठ, एक दो तीन है, तीन मतलब दो बार चार करना है, दो मतलब एक बार चार करना है, एक दो तीन मतलब दो बार चार करना है, एक कम करना है और एक जोड़ देना है बड़ा त्रिभुज को, वैसे एक जोड़ेंगे इसमें भी बड़ा त्रिभुज को ठीक है। अब कितने डंडे, एक दो और तीन डंडे, कितना छह, चार चार आठ छह चौदह और एक पंद्रह। अगला पैटर्न
कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज सबसे पहले एक दो और तीन, तीन मतलब कितने बार चाली होगा, दो बार, और एक बड़ा वाला आउटर मोस्ट, एक आउटर मोस्ट जो है उसको जोड़ा जाएगा, चार चार आठ नौ ऐसे हो गए। अब दंडों को गिनो, एक दो तीन, तीन का मतलब कितना छह, दो दो चार दो छह, और अंदर में भी ऐसी है एक दो और तीन, तीन डंडे अंदर में भी है तो उसका भी कितना छह है ना, तो छह छह बारह, चार चार आठ ठीक है, बीस और एक इक्कीस, कितने त्रिभुज, इक्कीस त्रिभुज। अब इसको अगला पैटर्न करते हैं, इसका नया वेराइटी, कितने त्रिभुज, एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है, कितने त्रिभुज, जल्दी बताओ। देखो इसमें क्या दिया जाता है, ठीक है, जो फेसेस पे हैं, देखो ये फेसेस है, ये कॉर्नर है, कितने कॉर्नर, तीन कॉर्नर, तो कॉर्नर को दो नंबर देते हैं, कितना नंबर देते हैं, और जो फेसेस पे जो ज्वाइंट्स है ना, जो ज्वाइंट बने हैं फेस पे, फलकों पर जो ज्वाइंट बने हैं ठीक है, उनको तीन नंबर देते हैं, क्या नंबर देते हैं, तीन। देखो इंटरसेक्शन कर रहा है इस फेस को, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर, और जो कॉर्नर है उसको क्या नंबर देते हैं, दो नंबर देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ लो, तीन तीन चार तीन नौ, तीन वाले को जोड़ो, तीन तीन चार तीन दो, दो चार दो छह, और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, एक सबसे बड़ा वाला, तो नौ छह पंद्रह और एक सोलह, इसमें कितने होंगे, सोलह। इसको काउंट करने का तरीका ये है, ठीक है। अब आ जाओ वर्ग पे, स्क्वायर पे आ जाओ, वर्ग को काउंट करना, ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग दो बाई दो का, टू बाई टू का है, दो रो दो कॉलम दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, दो रो है और दो कॉलम है, दो आड़ी है दो खड़ी डब्बे है ना, दो खड़े डब्बे दो आड़े डब्बे, दो रो दो कॉलम का है, टू बाई टू का है, तो सबसे पहले इसको नंबरिंग करते हैं, एक वर्ग है इसलिए क्या लगाएंगे, स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और ये कौन सा है, दो दो है स्क्वायर, जोड़ दो, एक कम एक, दो दूनी चार, कितने वर्ग, पांच वर्ग, एक दो तीन चार, और बड़ा वाला पांच, ठीक है। अब आ जाओ तीन बाई तीन का कर लेते हैं, थ्री बाई थ्री का कर लेते हैं, नंबर ही कर लो, वन स्क्वायर टू स्क्वायर और एक दो तीन लिख के स्क्वायर लगाते जाना, एक एक काम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार तेरह और एक चौदह, कितने वर्ग, चौदह वर्ग, ठीक है, और एक बड़ा वर्ग, अंतिम एक बड़ा को जोड़ना है भाई, कितना वर्ग, पंद्रह वर्ग, ठीक है। आगे आ जाओ, नहीं गलत करा रहे हो, ठीक है, वो काउंट हो गया, एक बड़ा वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ठीक है, वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, वो अलग से काउंट करके बताया था मैंने, चौदह ही आएगा इसमें, एक कम दो दूनी चार, तीन तिया नौ, नौ चार तेरह आ रहे चौदह, वो तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस करके ऐसे गिनोगे तो आएगा चौदह, ठीक है, वो उसमें एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला गिना था, ये एक कम एक ही है और दो दूनी चार ही है, ठीक है, गलत मत कराओ। चलो अगला है, गलत हो गया था, त्रिभुज का गिनते हैं, एक बड़ा वाला करके, एक दो तीन, एक दो और ये तीन, ये कितने का है, चार बाई चार का, वन स्क्वायर टू टू स्क्वायर, थ्री थ्री स्क्वायर, फोर फोर स्क्वायर, एक काम एक, वन वन द वन, टू टू झा फोर, दो दूनी चार, नाइन तीन किया नौ, चार चौ सोलह, फोर फोर था सिक्सटीन, ठीक है, कितना हो जाएगा, दस छब्बीस, छब्बीस और चार कितने भाई, तीस, कितने बार, कितने स्क्वायर, तीस स्क्वायर। चलो आप पैटर्न बदलते हैं थोड़ा सा, आप देखो पैटर्न बदलते हैं, ध्यान से देखना, क्या है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह रो पांच कॉलम, ये छह बाई पांच का है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, है ना, छह बाई पांच का है। अब कैसे करोगे, हॉर्ड हो गया है ना,
छह बाई पांच का है, ठीक है। तो देखो पहले नंबरिंग वैसे ही करेंगे अपन, एक दो तीन चार पांच तक, जो फाइव बाई फाइव तक की नंबरिंग करोगे आप, फाइव बाई फाइव तक, छह बाई पांच का छह रो पांच कॉलम है, तो उसको हटा के पांच बाई पांच तक, मतलब यहां तक, कहां तक, पांच बाई पांच तक, यहां तक ही आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लगाओगे, स्क्वायर, जैसे हम लोग पुराने पैटर्न में करते आए हैं वैसे ही, एक पांच बाई पांच का देखो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो पांच बाई पांच यहां पर खत्म हो जाता है, तो उसको पहले काउंट कर लो, एक 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 दो दूनी चार, तीन दिया नौ, चार चौक सोलह, पांच पंचे पच्चीस, जोड़ो कितना आया, पचपन, कितना आया भाई, पचपन, फिफ्टी फाइव। अब जो बचे हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं उसको कैसे करते हैं, खाली नंबरिंग करते, एक दो तीन चार पांच, नंबरिंग करके जोड़ लो, नंबरिंग कर, खाली नंबरिंग करके जोड़ना है, पांच चार नौ, नौ तीन बारह, एक तेरह चौदह पंद्रह, इसको नंबरिंग करके जोड़ोगे, एक धन दो धन तीन धन चार धन पांच, कितने, पंद्रह, कितने हुए, सत्तर, कितने वर्ग, सत्तर आएगा, कितना आएगा, सेवेंटी, सत्तर वर्ग, ठीक है। अगला पैटर्न इसका, एक दो पैटर्न और बचा होगा, एक पैटर्न वाला होगा, इसको मिटाओगे आप फ्रंट को, ये लिख लिया होगा, एक दो पैटर्न और बच गया, एक ये क्वेश्चन देखना एग्जाम का आया हुआ, ये दिया था एक बीच में, इनमें आपको काउंट करना है ट्राइंगल, त्रिभुज काउंट करना है, कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज, देखो ये स्क्वायर के अंदर चार वाला है, मतलब आठ, आठ दूनी सोलह, आठ दो चौबीस, आठ चौ बत्तीस, आठ 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 और ये बत्तीस हो गए। अब ज्वाइंट काउंट कर लो, दोनों के बीच दो, तीन चार ये दोनों के बीच, पांच छह ये दोनों के बीच, कितने हो गए, छह। अब एक नहीं काउंट होगा, स्क्वायर के बीच का ज्वाइंट काउंट होगा, त्रिभुज के यहां यहां पर का बोल रहे हो वो काउंट नहीं होगा, आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ चौबीस, आठ बत्तीस, ठीक है, बत्तीस और आठ चालीस, चालीस ये आपका आंसर आ गया, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कितने त्रिभुज, चालीस, चालीस ट्राइंगल, त्रिभुज चालीस त्रिभुज, ठीक है। इसके अलावा एक ये पैटर्न आया था, अभी इसमें क्या काउंट करना है आपको, वर्ग, स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है, कितने वर्ग है ये काउंट करना है इसमें, है ना, कितने वर्ग, कितने वर्ग भाई, कितने वर्ग, देखो जैसे मैं ये बताया हूं कि भाई ये वर्ग में आप कैसे काउंट करते हो, ये देखो अलग से बता रहा हूं, वन स्क्वायर टू स्क्वायर, एक एकम एक दो दूनी चार और एक हो गया पांच, तो ऐसे ही कितने हैं इसमें, एक दो और तीन है, कितने हैं भाई, एक बाहर वाला उसके अंदर एक और बनाया हूं और उसके अंदर एक और है, दिख रहा है, एक दो और तीन, कितने हैं भाई, तीन है, एक स्क्वायर दो स्क्वायर, एक स्क्वायर दो स्क्वायर, एक स्क्वायर दो स्क्वायर, कितने हो गए टोटल, पांच गुनी तीन, पांच पांच का पेयर कितने बार है, तीन बार, पांच दिया पंद्रह वर्ग, पंद्रह स्क्वायर है इसमें, कितने स्क्वायर है, पंद्रह। अब आ जाओ आयत पे, रेक्टेंगल पे आ जाओ आयत पे, ठीक है, रेक्टेंगल पे आ जाओ, अब देखो आयत काउंट कर, आयत तो केवल अनाड हो सकता है भाई, कितने आयत, कितने आयत, तो एक और इसका एक और कट मार, पहले में और दूसरे में दोनों में काउंट करना है, कितने आयत, आठ का नौ, चलो पहले और दूसरे दोनों में देखो कितने आयत,
देखो सबसे पहले पहला वाला, इसमें कितने आए हैं, एक दो तीन चार नंबर करोगे इसको, कॉलम को एक दो तीन चार, उसके बाद नंबर करोगे रो को, खड़ी लाइनों को और आड़ी लाइनों को, एक और दोनों को जोड़ के दोनों का गुणा, एक धन दो धन तीन धन चार, पहले इन चारों को जोड़ के चार तीन सात दोनों आ रहे दस, कितने कॉलम में आपने जोड़ा मतलब खड़ी लाइनों में आपने जोड़ा दस, आड़ी लाइनों में कितना है एक और दो, दो और एक तीन, दोनों का गुना दस दिया तीस, ये आपका आंसर होगा, कितने आया तीस आया, ठीक है अगला प्रकरण, कितने आए एक दो तीन और एक और पहले उसको जोड़ोगे एक धन दो धन तीन, फिर इसको जोड़ोगे एक धन दो तीन, दो पांच और एक छह और तीन छह दिया अठारह, कितने आए अठारह आए अठारह रेक्टेंगल, ये आयत का काउंटिंग है ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन और, आप लोगों को होमवर्क रहेगा।